मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट किए थे और आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। यानी इस चैप्टर का नाम था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट कंपाउंड है, लास्ट फंक्शनल ग्रुप है इस चैप्टर का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो यानी OH और दूसरी तरफ हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इसी को अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग कंडेंस करके लिखें, ये H या R और फिर लगा रहता है C=OH, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर में अगर हम लोग आते हैं तो ट्राइबल नेम इनका बिल्कुल एल्डिहाइड से मिलता जुलता है। एक बार याद भी कराएंगे आपको, एल्डिहाइड वर्ड को हटाकर उसकी जगह पर ईक एसिड जोड़ देते हैं, ओइक एसिड जोड़ देते हैं, फॉर्मिक एसिड, इथे एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ये सभी यूज करते हैं। आईयूपीएसी में पैटर्न है, आईयूपीएसी में जितने कार्बन एटम हैं उन सबको काम करते हैं अल्किन, इसमें से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ओइक एसिड, यानी इसका नाम हो जाएगा अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। नोमेनक्लेचर में फर्स्ट मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का HC=OH। इनका ट्राइबल नेम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड का याद करो HCHO, वो था फॉर्मल डिहाइड, तो फॉर्मल डिहाइड में से एल्डिहाइड हटा दो और ईक एसिड जोड़ दो, तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिंग एसिड। उसी तरह से सेकंड मेंबर है CH3COOH, उसे कहते थे एसिटाल्डिहाइड, इन्हें कहा जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। C2H5COOH वो था प्रोपायोनाल्डिहाइड, ये हो जाएगा प्रोपायोनिक एसिड। और फिर C3H7COOH एल्डिहाइड के केस में था ब्यूटाइलल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइलिक एसिड। ये बटर के कंस्टिट्यूएंट्स में से आता है। एसिटिक एसिड विनेगर का कंस्टिट्यूएंट है, विनेगर में मिल पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड फॉर्मस वर्ड से बना था, लैटिन वर्ड, रेड एंट में जो एसिड पाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। अब इनके आईयूपीएसी नेम पर आते हैं, आईयूपीएसी में अल्केनोइक एसिड होता है, तो देखो कार्बन एटम कितना है 1, तो किस वजह से इसका नाम होगा मीथेनोइक एसिड, इट इज मीथेनोइक एसिड। यहां 2 कार्बन एटम, एक CH3 में और एक HC=OH, तो इनका आईपैक नेम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। यहां 2 and 1, 3 कार्बन एटम, इन्हें कहा जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और वही इसमें 3 and 1, 4 कार्बन है, तो इन्हें कहा जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, इट इज ब्यूटेनोइक एसिड। ये कॉमन नेम से रिलेटेड था, कॉमन नेम भी यानी ट्राइबल नेम भी लिख दिए और ये आपका आईयूपीएसी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर दिया होगा तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बन एटम, और ये हमेशा टर्मिनल पर पाया सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप में, सीनियरिटी टेबल में, ये जहां होगा काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 2 पर ये ब्रोमो लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया 2-bromo, टोटल 4 कार्बन एटम, तो ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड। एक और देखते हैं CH3CH CHO C double bond O CH OH और C=OH, सीनियर C=OH है, यही रहेगा अभी 1, 2, 3, 4, 5। अब इधर नहीं है, है तो एल्डिहाइड, लेकिन चेन में एक ही को रखना होगा जो सीनियर मोस्ट है उसे रखना होगा,
और बाकी के जितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होते हैं, यानी यहां पर CHO भी सब्स्टिट्यूट हो गया, नेमिंग करते वक्त में इन सब का प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। प्रीफिक्स एल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगाते हैं AL और प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। कीटोन के केस में सफिक्स लगाते हैं OAD, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट है, जब ये सीनियर नहीं है, तब उस कंडीशन में इसके लिए हम लोग ऑक्सो लगाते हैं। अल्कोहल अगर ये सफिक्स के फॉर्म में यूज होता है तो लास्ट में OL लगता है, लेकिन जब ये प्रीफिक्स में यूज करते हैं तो हाइड्रोक्सी होता है। तब देखो कहां कहां क्या यूज हो रहा है, यहां फॉर्माइल हो गया, यहां ऑक्सो हुआ और यह हाइड्रोक्सी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करना हो, अल्फाबेट में सबसे पहले एफ आए तो नेमिंग करेगी तो ये हो गया 4-फॉर्माइल, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 2-हाइड्रोक्सी, 3rd पर कीटोनिक ग्रुप है, 3-ऑक्सो, टोटल 5 कार्बन एटम है, तो 5 कार्बन एटम से हो गया पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड 11th क्लास में इन सब के बारे में पूरे डिटेल से पढ़े थे, आपको एनसीईआरटी में सीनियरिटी टेबल मिलेगा तो 11th के पोर्शन नहीं मिलेगा। सीनियरिटी टेबल यानी कब प्रीफिक्स और कब उनका सफिक्स यूज करते हैं। एक और लेते हैं हम, अगर मल्टीपल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ CH3C, यहां सपोज BR लग गया CH3 और COOH, सीनियर सी डबल ओएच है 1, 2, 3, 4, 3rd पर ब्रोमो आ गया तो 3-ब्रोमो, 2 पर मिथाइल है 2-मिथाइल, टोटल 4 कार्बन एटम, सिर्फ पहले ही दिए ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है तो यहां होगा 2E और लास्ट में OE के से 2-ईनोइक के से। अब फिर याद करो एल्डिहाइड के केस में अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो दोनों चेन में रहेगा, 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो टू गिव इक्वल प्रायोरिटी सबको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे। वहां हम लोग यूज करते थे कार्बोल्डिहाइड, यहां यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बता रहे हैं जो देखो, यहां सपोज ये दिया हुआ CH3 CH COOH, CH2 CH, COOH, CH2 और CH3, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दोनों चेन में रहेगा, ये तो तय हो गया। इधर से काउंट करते हैं तो सेकंड पर मिथाइल आ रहा है, इधर से काउंट करें तो सेकंड पर इथाइल आ रहा है, दोनों अलग अलग है तो नंबरिंग अल्फाबेट के अनुसार से करेंगे, चूंकि सेम पोजीशन पर आ रहा है इसलिए कोई प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा। तो राइट साइड से चूंकि इथाइल का ई पहले आता है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, 2 पर इथाइल है तो इसका नेमिंग किए तो यहां आ गया 2-इथाइल, 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा है ये हो गया 4-मिथाइल, टोटल 5, तो पेंटेन का ई वापस आ जाएगा और 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए डाई ओइक एसिड, पेंटेन डाई ओइक एसिड, 2-इथाइल 4-मिथाइल पेंटेन डाई ओइक एसिड। वहां था पेंटेनोइक एसिड एक था, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसलिए डाई ओइक, और जैसे ही डाइट्राइल लगेगा तो उसका आगे का ई वापस आ जाएगा। अब इसको देखो आप H डबल बॉन्ड OC CH2 CH COOH CH2 और COOH, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां 1, 2, 3, तो 3 से हो गया प्रोपेन, 1 पर 2 पर और 3 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां ट्राई इसलिए ई आ गया।
अब ध्यान से समझना, एल्डिहाइड में भी देखोगे तो यही कंसेप्ट बताया गया था कि तीन को आप चेन में रख नहीं सकते हो। अगर इसे और इसे मेन चेन में पैरेंट चेन में रखेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, इसे रख रहे हैं तो ये बाहर हो जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में टू गिव इक्वल करेंट किसी को चेन में नहीं रखें, सब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट हो रहा है। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन चेन में नहीं है तब उसके लिए हम लोग कार्बोक्सिलिक बॉन्ड यूज करते हैं, फिर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। यही कंसेप्ट आप साइक्लिक कंपाउंड में भी लगाओगे, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में ये सब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ही होता है। और बेंजीन के डेरिवेटिव में भी आएगा ये पार्ट, जैसे ये साइक्लोपेंटेन है और यहां सी डबल ओएच ग्रुप का है, तो इनका नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसका तो आपने काम किया नहीं, ये साइक्लोपेंटेन हो गया सी डबल ओएच के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह से बेंजीन के साथ में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं इसे, सी डबल ओएच बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी का आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम है जिन्हें हम लोग बेंजोइक एसिड कहते हैं। यानी आपसे आईयूपीएसी भी पूछा जाए तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं बेंजोइक एसिड, लेकिन अगर बेंजीन के साथ में मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहा है तब तो वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में ट्रीट किए नहीं जाएंगे। जैसे यहां देखो, सपोज यहां भी सी डबल ओएच लगा है और यहां भी सी डबल ओएच लगा है, ये वन और ये टू, तो इनका नाम हो जाएगा बेंजीन वन टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक ही सी डबल ओएच ग्रुप है तब बेंजोइक एसिड आप उसकी जगह पर यूज कर सकते हो और बाकी दूसरे का पोजीशन लिखा जा सकता है। सपोज ये सी डबल ओएच है और यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया वन टू, इसके ये सीनियर है इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, लेकिन आईयूपीएसी में इसे कहा जाएगा टू नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो अब इसके बाद में जितना क्वेश्चन इस पार्ट से रिलेटेड होगा वो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके नोमेनक्लेचर में। जैसे फर्स्ट वाले में पीएच पीएच फिनाइल ग्रुप के लिए यूज किया गया, यानी CCH5 के। अगर इसका आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये फिनाइल ग्रुप के लिए हो गया, फिर CH2 और सी डबल ओएच। बेंजीन के साथ में डायरेक्टली अगर सी डबल ओएच लगा हो तब वो बेंजोइक एसिड कहा जाएगा, लेकिन अगर बेंजीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में अगर कार्बन एटम है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ओपन चेन में माना जाएगा और बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट यानी कि फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाएंगे यानी कि फिनाइल के जैसा, तो ओपन चेन में थ्री कार्बन एटम यानी कि प्रोपेनोइक एसिड है, नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री, तो थर्ड पर फिनाइल ग्रुप आ गया तो इसका नेमिंग करेंगे तो आएगा थ्री फिनाइल, टोटल थ्री कार्बन एटम है तो प्रोपेनोइक एसिड। सेकेंड वाले में CH3 होल ट्वाइस है, उसके स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH और सी डबल ओएच, इस तरह के कंपाउंड का नेमिंग किए हैं अभी हम लोग। यहां वन टू थ्री फोर, थ्री पर मिथाइल ग्रुप है तो यहां आ गया थ्री मिथाइल, टोटल फोर कार्बन एटम, तो ब्यूट सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है तो टू इनोइक एसिड, ब्यूट टू इनोइक एसिड, तो फर्स्ट और सेकेंड का नेमिंग हो गया,
अब आते हैं हम लोग थर्ड पर, आप खुद से कोशिश करना पहले, और मुश्किल हो तो फिर आप यहां से कॉपी कर लीजिएगा। अब थर्ड और फोर्थ पर आते हैं। थर्ड में साइक्लिक ग्रुप है, यहाँ वन और ये टू, टू पर मिथाइल है, अभी इस तरह के कंपाउंड का निर्माण किए थे, टू मिथाइल साइक्लोपेंटेन और सी डबल ओएच लगा हुआ है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां सीनियर ये है, ये तो वन रहेगा। अब काउंटिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें, केयरफुली देख लेना, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेटूल अप्लाई होगा। अगर इधर से करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी टू फाइव और सिक्स पर आ रहा है। इधर से करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है, तो किसी भी तरफ से करो लिमिट सेम ही होगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नाइट्रो ग्रुप टू पर है, फोर पर है और सिक्स पर है, ये आ गया टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, और बेंजीन के साथ सी डबल ओ एच लगा है, यानी बेंजोइक एसिड, ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो आपके इंडेक्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम बता दिए, अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको आप बनाइएगा, बिल्कुल बन जाएगा, इसको भी कॉपी कर लीजिए। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से आते हैं, लोग बात करते हैं उसके बारे में। जैसे फर्स्ट मेथड दिख रहा है आपका फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, अल्कोहल भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, एल्डिहाइड भी कंप्लीट कर लिए हैं, और ये दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, याद कराते हैं आपको। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है which further oxidize to give carboxylic acid, while secondary alcohol give ketone, ketone का formation करता था। यहाँ पर हमें carboxylic acid बनाना है, वहीं पर एक चीज़ और पढ़े होंगे, a strong oxidizing agent like KMnO4 and K2Cr2O7 direct oxidize the primary alcohol into carboxylic acid। तो हमारा तो purpose ही है carboxylic acid बनाना, तब उस condition में primary alcohol को RCH2OH को KMnO4 या K2Cr2O7 इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ करा या K2Cr2O7 के साथ कराए, एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल, तीनों दिया हुआ है, आप वो पढ़े हुए हैं। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। इसका फॉर्मेशन करें, कार्बन देखो अल्काइल ग्रुप एंड वन कार्बन, यहां भी अल्काइल ग्रुप एंड वन कार्बन। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, इथेनॉल है, तो इथेनॉल से फॉर्मेशन होगा इथेनोइक एसिड, यानी CH3COOH इथेनोइक एसिड। अब याद करो आप, जैसे कई जगह पर आया था हेलो अल्केन हेलोइन में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो हेलोजन हेलोइन को अल्कोहल में आप कन्वर्ट कर सकते थे, CH3Cl है, अगर उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, और अब जो हम लोग सीखते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन करा देंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। एल्डिहाइड, ये भी हम लोग पढ़े कि एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों एक दूसरे से डिफर करता है ऑन अकाउंट ऑफ देयर ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज। Aldehyde easily oxidize हो जाता है, even in the presence of mild oxidizing agent like toluene reagent and fehling reagent। तो aldehyde का किसी के साथ में भी कोई भी oxidizing agent के लो, mild oxidizing agent भी हो सकता है, a strong oxidizing agent भी हो सकता है, इनके साथ ये formation कर लेगा carboxylic acid का। कोई भी आप example ले लो, suppose CH3, CH2 और CHO। ये एल्डिहाइड है तो इसमें एक एल लगेगा, यानी प्रोपेनल, ये अल्कोहल था इसलिए ओएल लगा, ये एल्डिहाइड इसलिए एएल लगा, और इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, यानी CH3CH2COOH। तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। कॉपी में नोट कर लीजिए।
एरोमेटिक कार्बोक्जिलिक एसिड के प्रिपरेशन का यहाँ मेथड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यानी बेंजोइक एसिड बनाने का। कोई भी अल्काइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन, यानी बेंजीन के साथ में अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लें आप, मिथाइल बेंजीन है CH3 या फिर इथाइल बेंजीन है C2H5 या प्रोपाइल बेंजीन है, यानी यहां पर कार्बन चेन का लेंथ कुछ भी हो, वो सब के सब ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो कन्वर्शन का ये इंपॉर्टेंट मेथड हो गया कि सारे अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दे सकते हो इन बेंजोइक एसिड, यानी C2H। अब यहां रिएक्शन में आप पोटासियम परमैंगनेट ले सकते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, क्रोमिक एसिड ले सकते हैं। अगर अल्काइन मीडियम में हुआ तो पहले साल्ट का फॉर्मेशन होगा, और अगर आप एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तब उस कंडीशन में आप डायरेक्टली H+ या H3O+ ले सकते हो, तो उस कंडीशन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है बेंजोइक एसिड के प्रिपरेशन का। देख लो रिएक्टेंट साइड में यहाँ एक ही कार्बन आइटम है, यहाँ 2 कार्बन आइटम, यहाँ 3 कार्बन आइटम है, लेकिन ये सब के सब ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर जाते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे वही बताए थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, और ये करीब करीब हर एक चैप्टर में आएगा। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन्हें भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इनका रिएक्शन कराया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर याद करो, C डबल बॉन्ड O है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहां पर समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहे हैं, यहां C डबल बॉन्ड O हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इनका रिएक्शन जब कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMGX से, तो आप पहले भी पढ़े हैं याद कीजिए, मैग्नीशियम मेटल है तो इन पर पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर निगेटिव आएगा। यहां का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन पर निगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, तो दिख रहा है कि अल्काइल ग्रुप कहां जाकर जुड़ेगा, कार्बन पर। ये अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होगा और ये MGX O के साथ में जुड़ेगा, यानी अगले स्टेप में आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O MGX। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, और इनका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O H, और बाय प्रोडक्ट यहां पर भी MgOHX लिख सकते हैं, MgOHX जो हर एक में यूज होता है, वो मेन हमारा था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जिसके साथ प्रिपेयर करना हो, अब देखिए यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप है उससे एक कार्बन एटम ज्यादा यहां बना कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक एग्जांपल बताते हैं आपको, सपोज C2H5 Br है, इनका रिएक्शन करा दो आप मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइव, ये बन जाएगा C2H5 Mg Br। अब इनका रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से, और फिर इनका एसिडिफिकेशन करा देते हैं, यानी H3O+, तो CO2 का C2H ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी बन गया C2H5 C2OH। तो देख रहे हो यहां हम लोग स्टार्ट किए C2H5 Br से, और यहां बन गया प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि एक कार्बन एटम बढ़ाना है तो अगर सेम कार्बन एटम रखना है, सपोज इनका रिएक्शन आप करा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन से, तो यहां फॉर्मेशन कर लिया C2H5OH। प्राइमरी अल्कोहल है इथेनॉल, और इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तब इस कंडीशन में इथेनोइक एसिड बनेगा, यानी CH3C2OH। तो जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये कि दोनों रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और स्टार्टिंग में 2 कार्बन एटम थे तो 2 कार्बन एटम के ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है, तो इस पाथ को हम लोग सिलेक्ट किए। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाना है तो इस पाथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास में ऑप्शन ज्यादा आता जाएगा कि इसको भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खैर मेथड था हमारा फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो किसी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन एटम ऐड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर देता है, एसिड करता है बढ़ाने का काम करता है। आप इसे भी नोट कर लीजिए बारी से, इस तरीके से बॉक्स में कर लेना ताकि आपको कन्वर्सन वगैरह में हेल्प मिलेगा कि नहीं इस तरीके से भी कर सकते। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइन, इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। नाइट्राइल कहा जाता है CN ग्रुप को, यानी अल्काइल के साथ में अगर CN ग्रुप है तो इनका आप हाइड्रोलिसिस करा, और ये हाइड्रोलिसिस एसिडिक या बेसिक दोनों में से कोई भी मीडियम में होगा, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि H+ और OH- भी है। अगर कहीं डाउट लगे तो आप सिर्फ एसिडिक लेकर के चल सकते हो। ये नाइट्राइल पहले कन्वर्ट करेगा अमाइन में, यानी RCONH2 में कन्वर्ट करेगा, और फिर जब इनका हाइड्रोलिसिस कराएगी अंडर सिमिलर कंडीशन H+ और OH-, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बाई प्रोडक्ट अमोनिया बनता है, यानी कि NH3 का फॉर्मेशन होगा। डायरेक्ट अमाइन से भी आप बना सकते थे, जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3CN है, नाइट्राइल है, हम लोग एसिडिक मीडियम भी लेते H3O+ ले रहे, तो पहले ये अमाइड बनेगा यानी CH3CONH2, और फिर ये अमाइड हाइड्रोलाइज होकर एसिडिक मीडियम में है, इट गिव CH3COOH और साथ में अमोनिया बाय प्रोडक्ट बन, मेजर प्रोडक्ट तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप अमाइड भी डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे यहां बेंजीनामाइड CONH2, तो इनका आप हाइड्रोलिसिस करो H3O+, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा बेंजोइक एसिड में, यानी C-OH। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ। तो नाइट्राइल ऐड करने के प्रोसेस को भी हम लोग अल्काइल हैलाइड में पढ़े थे, अल्काइल हैलाइड में CN ऐड कर दिए थे, कार्बन एटम बढ़ गया, और जब इनका ऑक्सीडेशन कराओगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ जाएगा, यानी कि यहां पर भी हेलोमीथेन को हम लोग इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि क्लोरोमीथेन अगर दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले हम मिथाइल साइनाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। रिएक्शन आपको बताए कि किस तरीके से किस ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहां आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड अनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड RC(OH) और X, ये एसाइल हैलाइड हुआ, इनका अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RC(OH), और बाई प्रोडक्ट यहां बन जाएगा HX। आप बुक में अगर पढ़े होंगे तो फिर यहां बताया कि अगर इनका पहले आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो सबसे पहले ये फॉर्मेशन कर लेगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का RC(OH) का, और फिर जब इनका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें अगर रिएक्शन लिखना होगा तो हम दो स्टेप में क्यों जाएंगे, हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस से इनका प्रिपरेशन होता है। सेम कंसेप्ट एसिड अनहाइड्राइड के साथ में भी होता है, जैसे CH3C(OH)C(OH) और CH3, इसे एसिडिक अनहाइड्राइड कहा जाता है। इसी का अगर हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला लिखते हैं तो लिखा जाता है CH3CO2O, इनका भी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक ही कराओ, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3C(OH)। तो एसिडिक अनहाइड्राइड था तो एसिडिक एसिड बना। आप बुक में देखेंगे तो बेंजोइक अनहाइड्राइड भी दिया हुआ है, यानी C6H5CO2O, तो अंडर सिमिलर कंडीशन इट विल रिजल्ट, बैलेंस करना है तो 2 डाल दोगे आप,
C6H5C2OH यानी कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यह था फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड अनहाइड्राइड, रिएक्शन नोट कीजिएगा। और इसके बाद एक और लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन होता है अल्कोहल और कार्बोक्जिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से और वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो करता है। उसी के रिवर्स में जो R C डबल बॉन्ड O O R डैश ये ईस्टर है, अगर इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी कि एसिडिक मीडियम में, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड R C डबल OH और साथ में बनेगा अल्कोहल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है यानी कि कार्बोक्जिलिक एसिड और अल्कोहल ये कंपाउंड के कंबाइन कर फिर ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं। फिर वही कंसेप्ट आप देखे होंगे कि अगर इनका रिएक्शन बेस के साथ करा देते हैं, सपोज NaOH के साथ कराते हैं, तो पहले ये बनेगा साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड और फिर जब इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे देन इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड RC2OH। तो स्टेप पढ़ जाए, मेजर प्रोडक्ट हम सिर्फ लिखे हैं, बाय प्रोडक्ट छोड़ दिए हैं। अगर आपको लगे कि हमें बाय प्रोडक्ट भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा सजेशन है कि हम डायरेक्ट यूज करें जैसे CH3COCH3। इसका नेमिंग करोगे तो हो जाएगा मिथाइल और टू कार्बोनेटर है तो अल्केनोएट यानी इथेनोएट कहा जाता है, तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथानोएट। इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ H3O+, इट विल गिव ये पार्ट इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा यानी CH3C2OH और अल्कोहल यानी CH3OH, इथेनोइक एसिड एंड मिथेनॉल का फॉर्मेशन। तो ये इतना कुछ था मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, कार्बोक्सिलिक एसिड तक का प्रिपरेशन हम लोग कंप्लीट कर ली। अब अगले क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लो। इससे रिलेटेड जहां तक क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप बनाइए और अगले क्लास में हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आज यहीं तक।